अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अहसन नसीर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा, कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ लिया, और मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया था जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का असाइनमेंट मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो कुछ बच्चों का तो मुझे सबमिट हो गया है, कुछ का अभी तक मुझे सबमिट नहीं हो सका। तो काइंडली वो स्टूडेंट जिनका भी वो असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ, मुझे सबमिट लाजमी करवाइएगा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज का है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आसान सा टॉपिक है, इसमें सारा ये डिस्कस किया गया कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे इन्हांस हुई, वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा हुआ, और इजाफे से मुराद है कि कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के काम करने का तरीका कार, और मोस्ट प्रीशियस जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कि कंप्यूटर का साइज़। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स का बनाया गया तो कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्डवेयर पे भी काम हुआ और सॉफ्टवेयर पे भी काम हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था हार्डवेयर। हार्डवेयर का साइज इतना बड़ा था स्टार्टिंग में कि एक बंदे को कैलकुलेशंस करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता था, उसको काफ़ी दफ़ा मूव करना पड़ता था इन द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्डवेयर का साइज़ डिक्रीज होता गया, उसमें कमी आना स्टार्ट हुई, और कंप्यूटर का साइज़ जो है वो छोटा होते होते अब हमारे पास मोबाइल डिवाइस की फॉर्म में कंप्यूटर्स आ चुके हैं, जिनको हम पोर्टेबल डिवाइसेस भी कहते हैं। मतलब मोबाइल को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बड़ा एक एफिशिएंट कंप्यूटर है हमारे पास, जिसकी मदद से हम वैसे ही काम करें जैसे कि नॉर्मली एक डेस्कटॉप कंप्यूटर काम करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पहला पॉइंट है द टर्म जनरेशन इंडिकेट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। जो जनरेशन टर्म है इंडिकेट ये जाहिर करती है बेसिकली किस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को, कि टेक्नोलॉजी की जो टाइप है जो यूज़ हो रही है इन कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन। बेसिकली हम यहाँ पे जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे और फिफ्थ पढ़ेंगे, उन तमाम जनरेशन में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो वो कंप्यूटर जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, कंप्यूटर वो बना है। सेकंड पॉइंट है एज न्यू टेक्नोलॉजी वाज एमर्जिंग, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी सामने आई है इट वाज बीइंग यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसने कंप्यूटर्स को बनाने में मदद की है। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में आती गई और वो कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल साबित होती गई। तो यही सारा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर थ्री पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स। नई टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव कर दिया, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, उसने पिछले कंप्यूटर की निस्बत आने वाले कंप्यूटर में स्पीड को भी बढ़ा दिया, एक्यूरेसी में इजाफा कर दिया, और कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, स्टोरेज रिप्रेजेंट करता है डाटे को स्टोर करना, डाटे को स्टोर करने की जो सलाहियत थी उसमें भी कंप्यूटर्स में इजाफा होना स्टार्ट हो गया। नंबर फोर पॉइंट है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैव बीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रहीं कंप्यूटर्स के इस्तेमाल में मुख्तलिफ औकात में, यानी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई है। नंबर फाइव पॉइंट है देयरफॉर, यही वजह कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव जनरेशन, कंप्यूटर्स को पांच जनरेशन में तकसीम कर दिया गया, टेक्नोलॉजी बेस पे पांच जनरेशन बना दी गई कंप्यूटर्स की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का आपने ये इसका डेट याद रखना है, सॉरी ईयर याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक जो है फर्स्ट जनरेशन यूज़ हुआ। फर्स्ट जनरेशन यूज़ हुआ 1942 से 1955 तक। उसके बाद आपने माइंड में रखना है कि भाई सेकंड जनरेशन जो था, सेकंड जनरेशन का यूज़ जो है वो 1955 से लेके 1964 तक, और थर्ड जनरेशन का यूज़ था 1964 से 1975 तक, फोर्थ जनरेशन 1975 सिंस, और फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1980 से ऑनवर्ड स्टार्ट होना काम करना शुरू हो गया उस पर, या उस कंप्यूटर में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमें डिस्कस करने हैं।
स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फर्स्ट डिवीजन पे। आपको राइट साइड पे एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये वैक्यूम ट्यूब है। ये जो डायग्राम है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट करने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हर जनरेशन में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ होगा। तो फर्स्ट जब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, जहाँ पे वाज आ जाता है इट मीन्स के था की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, ठीक है, किसी दौर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब वाज अ ग्लास डिवाइस, इस तरह का ग्लास डिवाइस था। इट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इसको कंट्रोल किया जाता था। इसको एम्पलीफाई मीन इसमें चेंजेस जो भी आती थी वो किसकी हेल्प से आती थी, सिग्नल्स की हेल्प से आती थी। वो सिग्नल्स आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते थे, इट मीन्स के करंट आप उसको प्रोवाइड करते थे। फिर आगे कुछ मशीन के नाम उन्होंने बताया, जैसे मार्क वन, एनीएक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक वन मशीन बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपने ये सारे नाम याद रखने हैं, ये ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है ये याद करने वाला है। जैसे कि आपको एक तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक यूज़ हुआ, ठीक है, ये चीज़ें। फिर फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जैसे मैंने बता दिया कि फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक यूज़ होगा, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुआ था। और वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से आपने मार्क वन, एनीएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक वन मशीन जो है वो आप फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते रहे। इसके बाद है जी पॉइंट, द मशीन लैंग्वेज वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 01 जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मल आज हम पढ़ रहे होते हैं ना। अभी तक कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज ही है। कंप्यूटर क्योंकि खुद एक मशीन है, तो हमने कंप्यूटर पे जो काम करना होता है, जिस लैंग्वेज में काम करना होता है उसी को मशीन लैंग्वेज आप कहते हो, ठीक है जी। तो उसके बाद जो पॉइंट है इसका, दिस कंप्यूटर वाज द वर द फास्टेस्ट ऑफ देयर टाइम, कहता उस वक्त के लिहाज से कंप्यूटर काफ़ी फास्ट थे, उनका काम करने का तरीका काफ़ी तेज़ था। दे कुड परफॉर्म कैलकुलेशन मिली सेकेंड्स, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है जी। अब तो बात बहुत दूर तक जा चुकी है। दे वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज, इनको प्रोग्राम इस तरह से किया गया था, इनको बनाया इस तरह से गया था कि ये मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है जी। मशीन लैंग्वेज यानी 01 की लैंग्वेज। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज, उसी के दौरान डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, और वो भी किसकी हेल्प से इंट्रोड्यूस किए गए, वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से इंट्रोड्यूस किए गए। तो स्टूडेंट स्लाइड में ज़्यादा जो पॉइंट समझने वाले हैं, जो याद रखने वाले हैं, वो पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक यूज़ हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इस टेक्नोलॉजी की बेस पे कौन कौन से कंप्यूटर जो हैं, जैसे कि ये पूरी लिस्ट यहाँ पे है, इन कंप्यूटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इस कंप्यूटर ने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ इंतखाब किया, ये कैलकुलेशंस करती थी कितने टाइम में करती थी, इसको प्रोग्राम किस लैंग्वेज की बेस पे किया गया, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर्स के बाद जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के बेस पे हुए। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये मैं रीड कर देता हूँ, बहुत आसान है। दिस कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज, ऑब्वियसली इनका साइज तक बहुत बड़ा था कंप्यूटर्स का, ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, कंज्यूम करते थे बहुत ज़्यादा एनर्जी, एनर्जी मीन्स आपसे इलेक्ट्रिक करंट जो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा उसकी कंजम्पशन थी। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, इनको बार बार इनको मेंटेनेंस इनकी करना पड़ती थी, मशीन है ना भाई, खोलना पड़ता था इसको, फिर ठीक करना पड़ता था, साफ़ करना पड़ता था। आज हम देख लें कंप्यूटर को कितना खोलते हैं कितना साफ़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें इतना फेस नहीं करना पड़ रहा। मोर हीट वाज जनरेटेड एंड एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, अब आप देखें आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए कोई एयर कंडीशन इन्वायरमेंट चाहिए होता है हमें, क्योंकि पंखा शंखा उसी के अंदर ही लगा होता है, लेकिन तब हमें बहुत ज़्यादा हीट ये जनरेट करते थे ये वाले कंप्यूटर, और इसके लिए हमें एयर कंडीशनिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता था। दिस कंप्यूटर वार मोस्ट कॉस्टली, बहुत महंगे थे। डेटा प्रोसेसिंग स्पीड इन कंप्यूटर्स की बहुत स्लो थी, ये डिफ़िकल्ट थे प्रोग्राम करने में क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई थी मशीन लैंग्वेज। ये पोर्टेबल नहीं थे, पोर्टेबल क्या होता है, जिसको उठा के आप कहीं भी लिए फिरो, जैसे कि आज की मोबाइल डिवाइस है, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी उठा के लेके कहीं जाना हमारे लिए तो मुश्किल लगता है। तो खुद इमेजिन करें कि जब ये फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था जिसका साइज़ बहुत बड़ा था, वो पोर्टेबल तो हो ही नहीं सकता। लिमिटेड कमर्शियल यूज़, इसका लिमिटेड यूज़ था, यानी कमर्शलाइज था, यानी इंडस्ट्री लेवल पर इसका यूज़ किया जाता था, नॉर्मल यूजर्स का यूज़ नहीं कर पाते थे। ऑफन हैड अ सीरियस हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर के फेल होने के बहुत सारे चांसेस मौजूद थे। ये था फर्स्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है जी सेकेंड जनरेशन।
इसी तरह सेकंड जनरेशन में भी आपने क्या याद रखते हैं कि कंप्यूटर्स कहाँ से कहाँ तक इनका दौरानिया रहा। ये 1955 से और 1964 तक जो है ये यूज़ किए गए। अब सेकंड जनरेशन में हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर को। यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और इसको बनाया गया था, इट वाज इन्वेंटेड, ये याद हुआ 1947 में बेल लेबोरेटरीज के अंदर, और तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया। यानी अब ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब की जगह लेने वाला है इस जनरेशन के अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है कि एक जब बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, उसका साइज़ भी थोड़ा कम हो, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो बंदा बिजली को छोड़ के न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। इसी तरह आज के इंसान भी यही काम कर रहे हैं। द नेम्स ऑफ थ्री साइंटिस्ट वार विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन, विलियम ब्रेटेन। ये तीन साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने 1947 में इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर कुड परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द कंप्यूटर एज अ वैक्यूम ट्यूब। ये ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर फंक्शन को परफॉर्म करता है जैसे कि वैक्यूम ट्यूब परफॉर्म करता था। लेकिन क्यों हमने ट्रांजिस्टर पकड़ लिए? ट्रांजिस्टर का स्मॉल साइज था, ये मेन रीजन है। देखिए ना, जैसे जैसे हार्डवेयर जो यूज़ हो रहा है उसके अंदर, जैसे वैक्यूम ट्यूब था उसका काम और ट्रांजिस्टर का काम सेम है, बट ट्रांजिस्टर का साइज स्मॉल हो गया। तो साइज स्मॉल होगा इट मीन कंप्यूटर स्मॉल होगा। कंप्यूटर स्मॉल होगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिलायबल था किसकी निस्बत? वैक्यूम ट्यूब की निस्बत, ठीक है जी। देयरफॉर यही वजह है कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था, क्या था कंप्यूटर में इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। यानी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की जगह पे ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिए गए। प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी। तो सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट होगी? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। जो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस से अटैच्ड हैं उनको पता होगा असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनको आप मशीन में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं लगाऊंगा सब, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं लगाऊंगा MUL। इस तरह के कोड वर्ड्स हैं, इस तरह के सिंबल्स होते हैं, ये यूज़ होते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे वो कह रहा है सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इंतखाब किया गया। एग्जांपल्स में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से आए जी? IBM 7094 सीरीज़ आ गई, IBM 1400 सीरीज़ आ गई, CDC 164 आ गया। ये आपने नेम याद कर लेने कि कंप्यूटर्स के जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे सामने आए वो IBM 7094, IBM 1400 सीरीज़ और CDC 164 एक्सेट्रा। अब उसके बाद जी इसकी कुछ डिटेल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, जिसमें है जी लेस एक्सपेंसिव हो गए। अब साइज़ क्योंकि स्मॉल हो गया ना कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर के आने से, लेस एक्सपेंसिव हो गए, साइज़ में भी छोटा हो गया, स्पीड फास्ट होगी, कम हीट जनरेट करने लग गए, हार्डवेयर फेलियर के चांसेस कम हो गए, रिलायबल हो गया, एक्यूरेट कैलकुलेशन करने लग गया, कंज्यूम करने लग गया कम एनर्जी, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ ज़्यादातर। ये कंप्यूटर पोर्टेबल भी थे, यानी साइज़ छोटा हो गया तो कुछ हद तक इसको इधर उधर लेके जाना आसान होता गया। असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, ये लैंग्वेज आसान थी फॉर राइटिंग प्रोग्राम, किसकी निस्बत? मशीन लैंग्वेज की निस्बत। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था मशीन लैंग्वेज होती है 01 की फॉर्म में, तो 01 की फॉर्म को समझना मुश्किल काम है, जबकि असेंबली लैंग्वेज होता है सिंबल्स की फॉर्म में। जैसे कि अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब SUB, मल्टीप्लाई करना है तो मल MUL, एडिशन करना है तो सम SUM, तो ये इस किस्म की लैंग्वेज होता है। तो इसको इंसान के लिए समझना, इस पर काम करना थोड़ा आसान है, जबकि 0110 पे काम करना मुश्किल होता है। एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, इसके लिए एयर कंडीशन चाहिए था। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड दीज आर वेरी कॉस्टली। कमर्शियल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन मुश्किल थी और इस पर कॉस्ट ज़्यादा आता था। कुछ ज़्यादा बात है, डिसएडवांटेज भी होंगे इसके। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, इसके लिए भी आपको बार बार मेंटेनेंस चाहिए होती थी। ओनली यूज फॉर स्पेशल पर्पजेज, इसको सिर्फ खास किस्म के पर्पजेज के लिए ही इस्तेमाल किया गया। अब स्टूडेंट्स, हम शिफ्ट हो रहे हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। थर्ड जनरेशन आ गई थी 1964 से लेके 1975 तक। ये आपको सब ये चीज़ें याद होना लाजमी है। और हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या हुआ, उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने के बाद कंप्यूटर में क्या तब्दीली हुई, ये सारी चीज़ें आपने माइंड में बिठानी है। हाँ जी, अब आ गया जी थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको आप बोलते हो, IC चिप भी जिसको आप बोलते हो। थर्ड जनरेशन में कौन सी आ गई जी? IC चिप्स आ गई है। IC टेक्नोलॉजी आई, वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में
इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए जिसको आप आईसी कॉल करते हो। कंसेप्ट ऑफ आईसी वाज गिवन बाय जैक किलबॉय इन 1958, ये आपको याद रखना लाजमी है कि आईसी का कॉन्सेप्ट जैक किलबॉय ने दिया था 1958 के अंदर। फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड, पहला जो आईसी ईजाद हुआ और यूज हुआ वो 1961 में इस्तेमाल किया गया इन अ स्मॉल आईसी चिप। अब क्या हुआ जी, पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, अब आईसी आ गया। अब आईसी का साइज और छोटा है, अभी हमें बता रहा है कि इन अ स्मॉल आईसी चिप, ये एक तरह का चिप है 5 मिलीमीटर स्क्वेयर साइज, 5 mm स्क्वेयर साइज का ये चिप है। अ सर्किट इज डिजाइन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर एट्सेट्रा। यानी कि इसका काम है कि भाई इसकी मदद से आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें ट्रांजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, डायोड हो सकता है और रजिस्टर्स हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आईसी चिप। इनिशियली आगाज में आईसी कंटेन ओनली अबाउट 10 to 20 कंपोनेंट्स, शुरू में इसमें 10 से 20 कंपोनेंट्स से मिलकर बना था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, आईसी टेक्नोलॉजी वॉज नेम्ड एज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसको एक और नाम से बुलाया गया SSI। SSI मीन्स एस ए स्मॉल, एस ए स्केल, आई से इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेट कर देना, बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देना। जैसे कि अभी ऊपर वाली इस लाइन में वो बता रहा है कि आईसी की हेल्प से ही बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और रजिस्टर। अगर ये तमाम चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी आपको मिल जाए, जिसको आप यूं भी सेकेंड नेम से बुला रहे हो SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो भाई ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, IBM सिस्टम 360, IBM 370, DEC, PDB-8, यूनिवैक, यूनिवैक 9000 एक्सेट्रा, ये सारे वो नेम हैं कंप्यूटर सीरीज के जो विद द हेल्प ऑफ आईसी सर्किट्स इन्वेंट हुए। इसमें भी अब इसकी डिटेल है जी, स्मॉल इन साइज में स्मॉल हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट लो चली गई, यानी कि जो इस पर प्रोडक्शन कॉस्ट आती थी उसकी कीमत नीचे आ गई। कंप्यूटेशनल पावर बहुत तेज़ होगी, कंप्यूटेशन होता है चीज़ को प्रोसेस करना, किसी डाटे को प्रोसेस करने की ताकत, मोर रिलायबल आसान हो गया, लेस एनर्जी यूज़ की इसने, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगी क्योंकि फेलियर के रेट हार्डवेयर के बहुत कम हो गए, मैग्नेटिक डिस्क यूज़ की गई एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, एक्सटर्नल स्टोरेज बाहर वाला स्टोरेज मीन्स के जैसे हम आज के दौर में हार्ड डिस्क लगा लेते हैं या USB अटैच कर लेते हैं, सारा एक्सटर्नल स्टोरेज में आता है। मोर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, पोर्टेबल इजी हो गया, इजी टू ऑपरेट हो गया, अपग्रेड करना आसान हो गया, वाइडली यूज़ हो रहा है कई कमर्शियल एप्लीकेशन में पूरी दुनिया में, प्रोड्यूस कर रहा है बहुत कम हीट, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होने लग गई। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जो आज के दौर में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिंपल आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे जो दो बच्चे कंप्यूटर साइंस से अटैच्ड हैं उन्हें पता होगा सी लैंग्वेज है, C++ है, HTML है, PHP है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। आज के दौर में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंट्रोड्यूस होगी, जैसे कि माउस और कीबोर्ड, एयर कंडीशन वाज रिक्वायर्ड, इसके लिए भी एयर कंडीशन चाहिए था। तो आज के दौर में कंप्यूटर्स में क्या लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं जो आपके प्रोसेसर्स को या अंदर वाले हार्डवेयर को कूल डाउन रखते हैं ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाज रिक्वायर्ड फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स। आईसी चिप को अब मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो उसके लिए भी हमें एक बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पेश आई, ये सारा डिसएडवांटेज में आ रहा है। ये पॉजिटिव साइन एडवांटेजेस है, नेगेटिव साइन डिसएडवांटेजेस है। अब जी स्टूडेंट्स फोर्थ जनरेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, फोर्थ जनरेशन है 1975 से ऑनवर्ड विद द एडवांसमेंट इन आईसी टेक्नोलॉजी। आईसी टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट हुई, पिछली स्लाइड में आपने गौर किया होगा कि SSI था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आईसी टेक्नोलॉजी में और बेहतरी लाई गई है, ठीक है जी, फोर्थ जनरेशन में। तो अब LSI हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पिछली स्लाइड में थर्ड जनरेशन में क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, अब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी एक तरह की चिप ही है जिसको डेवलप किया गया। इट वॉज पॉसिबल टू इंटीग्रेट, ये मुमकिन हुआ इंटीग्रेट करने से 30,000 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को सिंगल एक चिप के अंदर। यानी कि थर्ड जनरेशन में चंद चीज़ों को, चंद कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता था, इसलिए उसका नाम रखा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्यों किया गया, क्योंकि 30,000 कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है एक ही चिप के अंदर, सिंगल चिप के अंदर। एक चिप लगाएंगे उसके अंदर पता नहीं कितने चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे उसने क्या नाम दे दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। आफ्टर LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद
एक और नई चीज़ उन्होंने इंटीग्रेट कर दी जिसको VLSI कह दिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, VLSI को डेवलप किया गया और मेड किया गया डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पॉसिबल। देखें जब आपके दौर में हमारे मोबाइल्स में कौन से लगे हुए हैं जी, माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नॉर्मली जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, वहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जा सकते हैं, सॉरी वहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किए जा रहे हैं। तो हमारे जो मोबाइल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम माइक्रो रखा इसलिए गया है क्योंकि साइज़ में बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल लेवल का एक चिप होता है जिसकी हेल्प से आपके हार्डवेयर का साइज़ छोटा हो जाता है। और ये हार्डवेयर को आप अपने छोटे छोटे मोबाइल पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर लाइक टैब हो गया, लाइक मिनी लैपटॉप हो गया, लाइक मोबाइल डिवाइस हो गया, वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल, माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था CPU में 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर, CPU में इसका इस्तेमाल किया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, 4th जनरेशन कंप्यूटर में भी कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन। आप ये पॉइंट लाजमी माइंड में बिठाइएगा, 4th जनरेशन कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है बेसिकली, एक तरह का सिंगल चिप होता है और कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ा सारा हार्डवेयर नहीं होता, ये एक तरह का एक चिप होता है। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ICs। अब ये पॉइंट बड़ा माइंड में बिठाने वाला है कि अगर हम 3rd जनरेशन में चले जाएँ तो, या 4th सेकंड में चले जाएँ तो, अगर आप गौर करेंगे तब सिर्फ एक IC था, फिर IC के अंदर ही बेहतरी लाई गई तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेट हो गया, IC के अंदर और बेहतरी लाएगी तो लार्ज स्केल इंटीग्रेट हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद और ज़्यादा बेहतरी लाएगी तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। तो जब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ तो हमारे पास एक चिप बन के आ गई जिसको माइक्रो प्रोसेसर का। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मुश्तमिल है हज़ारों ICs के ऊपर, यानी कि कई एक वक्त था जब एक IC यूज़ हो रहा था और अब वक्त आ गया कि एक ही चिप के अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जारी बात स्पीड में तो इजाफा होना ही होना है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड, पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था 1971 में टेड हॉफ फॉर इंटेल। इंटेल एक कंपनी है अभी तक, ये लैपटॉप भी बनाती है, कंप्यूटर्स भी डिज़ाइन करती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रही है। तो टेड हॉफ जो है वो एक बंदा था जिसने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया इंटेल कंपनी की तरफ से, और इसका नाम क्या था, इंटेल 4004। ठीक है जी, साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज लेस देन, मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज़ था वो कम था 1 इंच स्क्वायर से भी, और ये मुश्तमिल था मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर। टुडे आज के दिनों में माइक्रो प्रोसेसर आल्सो यूज मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन हो गया, वहाँ पे यूज़ हो रहा है, रिस्ट वॉचेज में यूज़ हो रहा है, एटसेट्रा। ठीक है जी, सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ यूज्ड इन 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके अलावा एक कंडक्टर मेमोरी होती है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी को यूज़ किया गया 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में। इट इज़ क्योंकि बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ इंक्रीज्ड। अभी इंटरनल स्टोरेज कौन सा होता है कंप्यूटर में, लाइक जैसे कि हमारे पास ये रैम हो गया, टेम्परेरी मेमोरी जो है वो यूज़ हो रही होती है कंप्यूटर में। अब 2 GB का रैम है, 8 GB, मतलब जैसे बहुत सारे GB के रैम जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इनसे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखने की सलाहियत बढ़ती जाती है, स्टोरेज करने की सलाहियत बढ़ती जा रही है। और अब तो कंप्यूटर्स की अपनी स्टोरेज भी है, सॉरी अब मोबाइल्स की अपनी स्टोरेज भी आ गई, परमानेंट स्टोरेज। एग्जांपल्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM PC एंड एप्पल मैकिंटोश। ये एग्जाम्पल्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स की। अब इसके डिटेल है जी, पॉजिटिव में सारे ये आपका है जी, एडवांटेजेस स्मॉल है साइज़ में, प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, रिलायबल है, हार्डवेयर फेलियर ना होने के बराबर है, इजीली पोर्टेबल है, स्मॉल साइज़ है इसका, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एयर कंडीशनिंग कंपलसरी नहीं है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होगी है, वेरी लार्ज इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी अंदरूनी और बिरूनी दोनों तरह की कैपेसिटी बढ़ गई है इसमें, इंटरनल रैम को, एक्सटर्नल आपका परमानेंट स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूज़ एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जैसे ऑप्टिकल रीडर, लेज़र प्रिंटर, CD-ROM, DVD-ROM ड्राइव्स आ गई, ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं इन कंप्यूटर्स के अंदर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ये कह रहा है जी भाई, आपको और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है ताकि आप बना सकें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को। ये था स्टूडेंट्स 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम चलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पे। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी तक प्रेजेंट मौजूद हैं और आगे भी चल रहे हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसी मशीन्स होती हैं जिनमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, वो देख सकती हैं, सुन सकती हैं,
ऐसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे कि इंसान काम करते हैं। बहुत सारे दुनिया में आज के दौर में जो चीज़ें बन रही हैं वो रोबोटिक्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई है, यानी रोबोट्स जो हैं वो चीज़ों को बना रहे हैं। आपने उनको प्रोग्राम्ड करना होता है, आपने उनको बनाना होता है, बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग बाकी सारा काम वो रोबोटिक्स पे शिफ्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, बस वो लाइक एक तरह का मशीन होगा जो सेंस भी रखता होगा, समझ रखता होगा और जो इंसान की तरह काम कर सकता होगा। तो ये सारा 5th जनरेशन पे अब काम शुरू हो चुका है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं है। सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन आर बीइंग यूज्ड टुडे। अब बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे कि आवाज़ की शनाख्त कर लेना, वो आज के दिनों में यूज़ हो रही है। आपका लाइक आपका जो मोबाइल है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, आपकी फिंगर टिप्स जो है वो देख सकते हैं, आपका फेस रिकॉग्निशन जो है, आप क्या है एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रहते हुए आपके फेस को रीड करती है और आपको आपके मोबाइल में एंटर होने देती है। इसी तरह वॉइस रिकग्निशन, आवाज़ सुन के भी आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस परफॉर्म हो रही होती हैं। दिस कंप्यूटर हैव कैपेबिलिटीज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है कि साथ साथ चलने वाली प्रोसेसिंग। पैरेलल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे दो बंदे चल पड़े हैं और दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा पैरेलल वॉकिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग क्या है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होना और इकट्ठे में प्रोसेस होना, वो पैरेलल के अंदर आ जाता है। सुपर कंडक्टर्स आर यूज इन दिस कंप्यूटर, जैसे सेमी कंडक्टर था पिछले में, यहाँ पे सुपर कंडक्टर यूज़ हो रहा है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनको क्वांटम कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये क्वांटम कंप्यूटेशन से निकला है। ये आने वाले टाइम में आपको क्लियर होगा, ये फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग का, कि आपकी जो भाई जो ये रोशनी है इसको यूज़ किया जा रहा है और इसको हेल्प से डेटे की स्पीड इस हद तक फास्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आँख चमकने से पहले जो है आप लोगों का डेटा दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचने वाला है। मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन कंप्यूटर्स के अंदर। साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए 5th जनरेशन कंप्यूटर्स को, डैट विल हैव द फॉलोइंग फीचर्स। साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में, उसमें ये फीचर होंगे, हैविंग देयर ऑन थिंकिंग पावर, उनकी अपनी एक थिंकिंग पावर होगी, जैसे कि इंसान अपनी एक सोच रखता है ना, इसी तरह मशीन में अपनी एक थिंकिंग पावर होगी। मेकिंग डिसीजन देम सेल्फ, वो खुद ही से फैसला ले सकेंगे, जैसे इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। हैविंग कैपेबिलिटीज ऑफ लर्निंग, वो लर्न भी कर सकेंगे, सीख भी सकेंगे, और जो लर्न करेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हैविंग कैपेबिलिटीज टू कम्युनिकेट विद द यूज़र इन नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज, और वो उनके अंदर सलाहियत होगी कि वो कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने यूज़र के साथ, जैसे कि नॉर्मली दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो बंदे अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी तरह मशीन और इंसान आपस में कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। अक्सर आप में से जिन स्टूडेंट्स ने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हुई हैं रोबोटिक्स पे बनी हुई हैं, तो आप ये चीज़ें देखते होंगे। हैविंग कैपेबिलिटीज ऑफ रिजॉइनिंग, उनके अंदर भाई की ना कोई रीजंस भी मौजूद होंगी, कोई ना कोई आपको रीजंस भी वो बताएंगे क्या इश्यूज आ रहे हैं। हैविंग अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ इंटरनल स्टोरेज, उनके अंदर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। हैविंग एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड, उनके किसी चीज़ को किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की स्पीड जो है बहुत फास्ट होगी, जैसे कि इंसान का दिमाग है। हैविंग कैपेबिलिटीज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसके साथ साथ जो है जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस कर दिया कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी 5th जनरेशन कंप्यूटर में वो पैरेलल होने जा रही है। तो उसके बाद भी एक पॉइंट इसका रह गया है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का, इन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी यूज, जिसमें अल्ट्रा लार्ज, इससे पहले था वेरी लार्ज, अब क्या आ गया जी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है जी, और ये अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉलेज प्रोसेसर, ठीक हो गया जी। नॉलेज प्रोसेसर मीन ऐसा प्रोसेसर जो हर किस्म का नॉलेज रखता होगा। AI शो कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ऑटोमेटिक प्रोग्राम डेट लेट द मशीन टू थिंक एंड डिसाइड देमसेल्व्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे प्रोग्राम है जो मशीन्स को इस काबिल बना देंगे कि वो सोच सके और अपना फैसला खुद ले सके। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है लिस्ट प्रोसेसर उसको कहते हैं। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग विद लॉजिक आर यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी उसने लैंग्वेज का भी बता दिया कि यहाँ यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। साइंटिस्ट एट आईकॉट इन जापान यूज द प्रोलॉग टू डिवेल्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को लेकर डिस्कस किया, 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th और 5th। आपने सब के पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक यूज़ हुए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, किस किस टेक्नोलॉजी के आने से चेंज आता गया कंप्यूटर्स के अंदर,
तो इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।